हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम 3 अगस्त का जो करंट अफेयर निकल कर आया है मध्य प्रदेश का, वो पूरा इस स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखिए आईएमपी जो कोई क्वेश्चन होंगे वही डिस्कस स्टूडियो में करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम के लिए पूरे यहाँ से वही क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको एमपी पुलिस, एमपीएसआई की यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इसकी जो तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। साथ में यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यहाँ से जाकर बिल्कुल इन कूपन कोड को यूज करके बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, मालाबार रिवर फेस्टिवल में रैपिड रानी कौन बनी। अभी आपको बताना है कि मालाबार रिवर जो फेस्टिवल हुआ था उसमें रैपिड रानी कौन बनी है। तो ये आपका ये रहे ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं यदि आपको पता है तो। अब यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिखा। जी हाँ, माला रिवर जो फेस्टिवल हुआ था उसमें रैपिड रानी जो बनी है वो बनी है सिखा बनी है। आप सभी को याद रखना है, आइए इसका इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हो। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल के 7वें संस्करण, देखिए ये कौन सा संस्करण था, तो ये 7वां संस्करण था, और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 26 से 28 जुलाई को हुआ था 2019 को तक ये चला था। और इरुन जो कि इरुवन जी पूजा और जो कि जलपूजा नदियों पर कोझिकोड जिले के तुषारगिरी में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आप ये नाम याद रख लीजिए, थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा आपको, बट ये जरूर याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कोझिकोड जिले के तुषारगिरी में आयोजित किया गया था, इतना आपको याद रखना है। इरुन वनी जी जी पूजा जो कि जलपूजा जो नदी है, इन दोनों नदी पर यह जो कि आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ये आप याद रख लीजिए, यहाँ से आपका आईएमपी ये जो पॉइंट है आईएमपी है। आगे बात करें तो स्विमिंग क्लब ऑफ इंदौर की सीका चौहान जो है, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक इसमें प्राप्त किया है या फिर जीता है। अब इसके साथ ही सीका ने रैपिड रानी का जो खिताब है वो भी अपने नाम ही किया है। अब ये जो है ऐसे पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने रिवर रानी का खिताब अपने नाम किया है फिर जीता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, तो आईएमपी हो जाता है क्वेश्चन भारत की अगर पहली है तो, ये इसलिए आप ये आप आईएमपी है याद रख लीजिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का कन्या स्कूल ISO प्रमाणित बना। अब देखिए जो कि कन्या स्कूल है वो ISO प्रमाणित बना है, तो ये कहाँ का कन्या स्कूल बना है ये रहे आपको ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बड़वानी। बड़वानी का जो कन्या स्कूल है वो ISO प्रमाणित बना है। डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो बड़वानी के जो कि पानसेमल ब्लॉक के ग्राम आमदा में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल को ISO प्रमाण पत्र मिला है। स्कूल प्रबंधन सुविधाओं, रखरखाव और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप पाए जाने पर यह प्रमाण पत्र जो कि इसको मिला है। तो यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए, बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आप ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए मंडलेश्वर में भवन बनेगा, ये किस जिले में। अब मंडलेश्वर किस जिले में आपको बताना है, तो ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धार जिले में। जी हाँ, मंडलेश्वर जो है धार जिले में है, और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक जो कि जो भवन भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो संस्कृति, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु 2 अगस्त को धार जिले के मंडलेश्वर में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करेंगी। तो देखिए 2 अगस्त को ये कर चुकी है, ये आपको याद रखना है। और भवन नर्मदा तट पर 10 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 10 जो कि लाख की लागत आएगी इस भवन को बनाने के लिए। अब आगे बात करें, डॉक्टर साधु लोक निर्माण कार्यालय परिसर में करीब 17 लाख की लागत बाउंड्री वॉल और ग्राम वर्दिया में सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन करेंगे। तो ये भी जो करेगी वो 2 तारीख को जो कि कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, जी इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, आप जो इसका क्वेश्चन है आज का वो है आपका, रूस के माउंट एल्ब्रुस
में कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लहराएगी। तो ये जो कि कौन लहराएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झंडा लहराएगी माउंट एल्ब्रुस पर, वो कौन लहराएगी। तो ये आपका राइट आंसर है मेघा परमार जी। हाँ, इमेज में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है रूस के माउंट एल्ब्रुस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लहराएंगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, तो जल्द ही रूस के 18,510 फीट ऊंचे माउंट एल्ब्रुस में मध्य प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लहराएगी। ये जो लहराएगी वो लहराएगी, जैसे कि आपको पता चल ही चुका है, पर्वतारोही है मध्य प्रदेश की, वो है मेघा परमार, ये लहराएगी। अब माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कुमारी मेघा परमार को महिला बाल विकास विभाग द्वारा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेघा परमार ट्रस्ट मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लेकर 2 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई करेंगे। तो 2 अगस्त तक जो कि करेंगी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, कुमारी मेघा इस अभियान के माध्यम से माता पिता को अपनी बेटियों पर भरोसा करने का संदेश भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में कितने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। अब देखिए 5.5 लाख, जैसे कि यहाँ पर आपको जो कि आंसर पता चलेगा, 5.5 लाख ग्रामीण अंचल में जो कि प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। आप सभी को याद रखना है, IMP फैक्ट भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में जो कि ग्रामीण अंचल होंगे उसमें 5.5 लाख ग्रामीण जो कि प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, और इसके लिए बजट में 6,600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। अब उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक ग्रामीण अंचल में 12,80,000 आवास का निर्माण पूरा जो कि हो चुका है। तो 12,80,000 बन चुके हैं, और टोटल जो बनने हैं वो बनने हैं आपका जो कि 5.5 लाख जो कि ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री जो आवास बनाए जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका, मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 40% राशि राज्य सरकार और 7% राशि जो कि केंद्र सरकार प्रदान की द्वारा जो कि प्रदान की जाती है। तो इसमें 40% जो राशि राज्य सरकार देती है, 60% राशि जो है केंद्र सरकार देती है। ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर या 270 वर्ग फीट आवास के लिए समतल क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की राशि हितग्राही को 3 किस्तों में दी जाती है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, आयुब के आपको पसंद भी आए होंगे। मोस्ट IMP ही करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके वही जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो बाकी के जो क्वेश्चन है हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम बाकी के जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस नहीं करेंगे, IMP ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि मालवा का प्रदेश द्वार किसे कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर हमें सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी ने कमेंट करके बताया है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपका राइट आंसर है या नहीं है। ओके, कुछ लोगों ने गलत इसका राइट आंसर भी बताया है, तो कुछ लोगों ने गलत भी बताया और कुछ लोगों ने इसका सही आंसर भी बताया। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुना। जी हाँ, मालवा का जो प्रवेश द्वार है वो गुना को कहा जाता है। थोड़ा सा माइंड अपने याद रख लीजिए, ओके, कि कुछ लोगों ने हमें बुरहानपुर भी इसका बताया, तो आप चेक कर लीजिए एक बार। आज का क्वेश्चन है आपका, बाघों की संख्या में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है। अब बाघों की अगर संख्या में बात की जाए तो कौन सा नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर बेल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।